बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में मेरा मैंने आपको नरेशन के रूल्स बताए थे बड़ी डिटेल। आज हमने प्रैक्टिकली उसकी एक्सरसाइज जो असर्टिव सेंटेंसेस की है पेज नंबर ग्रामर बुक पे पेज नंबर 171 है पुरानी बुक्स पे, नई पे मेरा ख्याल एक आध पेज आगे पीछे होगा तो उसको आप देख लेना। ये यहाँ से स्टार्ट हो गए। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, पहला जो है एक से लेके ये 25 तक है, 25 सेंटेंसेस हैं जिनको हमने असर्टिव माइंड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रैक्टिकली आज हमने चेंज करना है। उससे मैंने डिटेल में रूल्स बताए थे आपको, एक दो एग्जांपल भी दिए थे। बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक लगता है एक्चुअली, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा एक वर्ड टाइप दूंगा उनका दोबारा रूल का, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि मैं पहला सेंटेंस लिखने लगा हूं, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, याद है क्या? शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ये बेटा एक डायरेक्ट सेंटेंस मैंने लिखा है। लिखा शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। पहले दिन मैंने उस दिन रूल में, आज मैं ज्यादातर लेक्चर जो है मिक्सअप करूंगा उर्दू में, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा पूरे का पूरा अंग्रेजी में बोलते हुए बच्चे बड़े हार्डल फील करते हैं उसको समझने में। मैं थोड़ा क्लैरिफाइड वे में आ करा खुल के आप इसका सारा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में, ज्यादा मुंह को बिगाड़ के अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। तो शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा में राइट हैंड साइड पे एक स्टेटमेंट इनक्लोज है और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमा के बाद शी सेड आई लाइक क्लाउड्स के डायरेक्ट सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज होता है। उसको जब भी हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो मैंने आपको बताया कि यू हैव टू ब्रॉट अबाउट फोर चेंजेस, चार चेंजेस आपने करनी है, सीखनी है, फिर आप इस काबिल होंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते। एक तो यहां पर मैं कंजंक्शन लगाऊंगा कि आपने सीखना है हाउ टू प्लेस द कंजंक्शन, कंजंक्शन कैसे लगाना, इन दोनों को ज्वाइन कर इन्वर्टर कॉमा रिमूव हो गए तभी इनडायरेक्ट बनेगा ना। कंजंक्शन लगे कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, ये टेक्निक लर्न करनी। दूसरा ये प्रोनाउन कैसे चेंज करनी है, मैंने डिटेल में बताया हुआ पहले लेक्चर, और फिर उसके बाद टेंसेस की कैसे तब्दीलियां करनी और उसके बाद एडवर्ब को कैसे चेंज, ये चार चीजें हैं। पहला काम होता है जब भी आपके सामने बोर्ड में डायरेक्ट सेंटेंस आए तो आपने राइट हैंड साइड पे ये जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में, इसको देखना है। क्यों देखना है? आपने ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है कि कौन सी काइंड इनक्लोज है आउट ऑफ फाइव सेंटेंसेस की, पांच किस्में होती है जो अभी आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ी हुई है। एक असर्टिव होती है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है, जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होने की निशानी है। बेटा बेटा जो असर्टिव काइंड है जो पहले ही हम कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है कि वो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ये भी एक आपको टिप दे रहा हूं कि इसको ढूंढेंगे, जब भी इन्वर्टेड कॉमा नाउन या प्रोनाउन से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट, आप समझ लें पहली काइंड है असर्टिव और इसकी कंजंक्शन दैट, इसकी कंजंक्शन क्या है दैट। अभी आप इसी तक रहे, अब मैं जो पूरे पांचों काइंड की मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में कंजंक्शन बता दी पिछले, लेकिन अभी हम पहली काइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि असर्टिव काइंड इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव, उसकी कंजंक्शन क्या होगी दैट। ये तो मुझे आई गॉट इट, इसकी कंजंक्शन मैंने दैट लगानी। इसीलिए मैंने आपको कहा जब भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है, पहले आपने राइट हैंड साइड पे देखना है कौन सी काइंड इनक्लोज है, क्योंकि असर्टिव की, ऑप्टेटिव की, एक्सक्लेमेटरी तीनों की दैट है और इंपेरेटिव की टू है, और इंट्रोगेटिव जो होते हैं उनकी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सिंगल इंट्रोगेटिव होगा इसका बेहतर, डबल इंट्रोगेटिव होगा तो कोई नहीं, ये मैंने लेक्चर में बताया। अभी यहां तक यू हैव टू बी लिमिटेड इस काइंड तक लिमिटेड रहना है। तो इसका मतलब आई गॉट इट कि ये असर्टिव काइंड है, पहली काइंड है और उसकी कंजंक्शन है। इस काइंड में अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं,
ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, यहां ये नहीं दिया हुआ शी सेड टू मी, शी सेड टू अस, नो, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ना हो इस टाइम में तो सेड को सेड ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। मैं लिखूंगा शी सेड और कंजंक्शन क्या है दैट। अगर होता है दैट शी सेड टू मी तो मैं चेंज करके लिखता शी टोल्ड मी, फिर मैंने क्या लिखा था शी टोल्ड मी, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यू हैव टू कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल। मैंने एज इट इज शी सेड पहली काइंड में, ये रूल किसके लिए है असर्टिव काइंड, शी सेड दैट इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब क्या आगे आगे आई रिवाइव योर माइंड, अपने माइंड को रिवाइव करो, आई कौन सा पर्सन है, मैंने उस दिन बताया थे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, आई और बी और ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, आई और बी सब्जेक्टिव है, आई की ऑब्जेक्टिव मी, बी की ऑब्जेक्टिव अस, आई का पोजेशन पोजेशन क्या है माई और माइंड, बी का आवर और आवर, आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ, बी का आवर सेल्फ, ये सारे फर्स्ट पर्सन। ये यहां पर जब भी आप देखें प्रोनाउन द फर्स्ट पर्सन रूल, उस दिन मैंने लिखवाया ये चेंज हो गए इस साइड के लेफ्ट हैंड साइड के सब्जेक्ट के बराबर, शी है ही है जो कुछ है इसके बराबर, कोई भी फर्स्ट पर्सन, इधर आई आ गया, बी आ गया, मी आ गया, माइन आ गया, अवर आ गया, अवर्स आ गया, माई सेल्फ आ गया, अवर सेल्फ, ये सारे फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होंगे इस साइड के सब्जेक्ट के ऊपर। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर इधर सब्जेक्टिव फॉर्म है जैसा कि आई की सब्जेक्टिव है तो इसकी भी बेटा सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखनी है, अगर चेंज कर आई सब्जेक्टिव है किससे चेंज होना है फर्स्ट पर्सन है शी से, शी भी सब्जेक्टिव है तो मैंने इधर शी लिख दी। अगर इधर होता मी, मी फर्स्ट पर्सन है किससे चेंज होना था शी से, मी ऑब्जेक्टिव है शी की ऑब्जेक्टिव हाँ फिर हारा जाता। इधर माइसेल्फ होता शी के मुताबिक हर से, कि जो फॉर्म इधर है वो ही चेंज करके होगी, कि अगर इधर सब्जेक्टिव है इसकी भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है इसकी भी ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव है इसकी भी रिफ्लेक्टिव, पोजेसिव है इसकी भी पोजेसिव, और इन्वर्टर का मतलब लू हो शी सेड दैट शी। अब टेंस चेंज करना, मैंने उसे बताया था कि प्रेजेंट के तमाम टेंसेस सामने वाले पास्ट में चेंज हो गए, प्रेजेंट डेफिनेट इनटू पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, और पास्ट के पहले दो एंड वाले दो पास्ट इंडेफिनेट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड वाले दोनों चेंज हुए, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिमेन अनचेंज्ड, और वेल और शैल दोनों को गुड लगा दिया, शुड भी लगा दिया, दोनों की जगह गुड लगा। चलो जी ये भी बता दिया कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होने हैं सब्जेक्ट, लेकिन अगर सेकंड पर्सन हो यू सेकंड पर्सन है, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, आप सेकंड पर्सन है, यू से डिनोट करूंगा, और यू सब्जेक्टिव भी है यू ऑब्जेक्टिव भी है, और यूर और यूर से इसका पोजेसिव फॉर्म योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव, ये अगर इधर आ जाए सेकंड पर्सन वो इस साइड के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी, ऑब्जेक्ट यहां दिया नहीं हुआ, अगर इस पहली काइंड में ऑब्जेक्ट ना दे तो आप माइंड में सपोज करना है लिखना नहीं, और सपोज भी फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस दे मी लिख ले आपकी मर्जी, आप कहें जी शी सेड टू मी, शी सेड टू अस, शी सेड टू यू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस मी को दे, इसका मतलब फिर वो सेकंड पर्सन कैसे चेंज होंगे मी से, उसी रूल के मुताबिक शी सेड दैट शी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म किसमें होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसमें चेंज होना है पास्ट इंडेफिनिट, उसमें कौन सी फॉर्म होती है सेकंड, तो लाइक का शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई, लो जी ईच एंड एवरीथिंग एबॉलिश इन्वर्टेड कॉमा वाले, ये हो गया फर्स्ट, अब है ही सेकंड, ही सेड आई एम अनवेल, he said I am unwell, ये देखिए बेटा पहला काम है मेरा, मैंने राइट हैंड साइड पे देखा बोर्ड में मैं बैठा हूं, सो दैट आई माइट बी एबल टू प्लेस द कंजंक्शन, मैं कंजंक्शन लगाने के काबिल हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है
कि सर्टन की ऑपरेटर की एक्सक्लेमेटरी की दैट है। तो मैंने देखा आए मेरे पास नाउन या प्रोनाउन से पहले का है असर्टिव, तो इसकी कंजंक्शन क्या होगी दैट। और यहां पर उसने ऑब्जेक्ट भी दिया सेट सैडी है, ही सेट दैट। आई कौन सा पर्सन फर्स्ट, किससे चेंज होना है सब्जेक्ट से साइड में, यू ही है। तो आई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, ही। इधर मार के इसमें वॉज ओवर, ही वॉज अनवेल, एडजेक्टिव है ऐसे रहेगा अन, ही वॉज अनवेल। अब आ जाए थर्ड की तरफ, He said to her, I live in this building. He said to her, I live in this building. Again, वही रूल है कि मैंने सबसे पहले डायरेक्ट सेंटेंस है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में देखना कौन सी काइंड है। I got it कि फर्स्ट काइंड है असर्टिव, और मुझे पता चल गया इसकी कंजंक्शन दैट है। और यहां पर सब्जेक्ट भी मौजूद है ऑब्जेक्ट भी है, तो सेट को मैं टोल्ड में कन्वर्ट करूं, ही टोल्ड हर। टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन लगती है इसलिए टू मैंने मेक कर दिया। कंजंक्शन क्या होगी दैट, आई कौन सा पर्सन फर्स्ट, किससे चेंज होगा ये सब्जेक्ट से, ही फर्स्ट फॉर्म में लिव किसमें सेकंड, ही लिव इन दिस इनटू दैट, this is our teacher is on leave, this is our teacher is on leave। अगेन मैंने देखा इन्वर्टेड कॉमास में, तो असर्टिव काइंड है, एक स्टेटमेंट है पॉजिटिव, इसकी कंजंक्शन दैट और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो मैं ऐसे लिखूंगा दिस है दैट। अब कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, वी का पोजेसिव फॉर्म, पोजेसिव एडजेक्टिव है, किससे चेंज होना है सब्जेक्ट से, वो दी है, यहां पोजेसिव फॉर्म है तो इसकी पोजेसिव दियर, क्या होती है दियर, क्योंकि पोजेसिव है तो इधर से भी पोजेसिव ही आएगी, दियर टीचर इज एम आर बॉदर बार में वॉज ऑन लीव। आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज, आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर, आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोस। अगेन मैंने वही रूल अप्लाई किया, मैंने वर्ड कॉमा में स्टेटमेंट लिखी वी लाइक मैंगोस, आई गॉट इट, असर्टिव काइंड है, फर्स्ट काइंड है, और इसकी कंजंक्शन दैट होगी। और यहां पर आरिफ एंड आयशा सब्जेक्ट है, डियर मदर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी मौजूद है ऑब्जेक्ट भी है, तो सेट को टोल्ड में कन्वर्ट करें, आरिफ एंड आयशा टोल्ड डियर मदर, कंजंक्शन दैट। वी कौन सा पर्सन है फर्स्ट, किससे चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्रोनाउन की फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में, इसको भी प्रोनाउन में, ही प्लस शी क्या होगा दे, ये इसको इकट्ठा में दे लेती, तो वी किससे चेंज हुआ दे से, वी सब्जेक्टिव है दे भी सब्जेक्टिव है, दैट दे। और लाइक प्रेजेंट डेफिनेट है पास्ट डेफिनेट में, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, दे लाइक मैंगोज। She said, I am helping my mother in the kitchen.
शी सेड आई एम हेल्पिंग माय मदर शी सेड आई एम हेल्पिंग माय मदर इन द किचन हेल्पिंग माय मदर इन द किचन अगेन मैंने वर्ड्स फॉर्म में देखा नॉन या प्रोनाउन से फर्स्ट काइंड है सेट के बाद दैट इज की कंजंक्शन और सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है सेड ही लिखूंगा शी सेड दैट आई कौन सा पर्सन फर्स्ट किससे चेंज होगा सब्जेक्ट से शी इधर मार्क कौन सा टेंस है इधर मार्क के साथ फर्स्ट फॉर्म आई यानी प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होगा पास्ट कंटिन्यू दैट शी वाज हेल्पिंग माई फर्स्ट पर्सन किस से शी से माई पोजेसिव ऑब्जेक्टिव है शी का हर हर मदर इन द किचन कि जब भी बाहर पास्ट डेफिनेट टेंस होगा सेट होगा ये भी एक पॉइंट है अंदर के टेंसेस लाजमी चेंज हो लेकिन अगर बाहर सेट नहीं है सेल है ही विल से है तो अंदर के टेंसेस चेंज नहीं होंगे एक और सूरत भी है जब अंदर यूनिवर्सल तो बाहर सेट हो फिर भी टेंसेस चेंज नहीं होंगे अब नेक्स्ट इसी तरह है ऑप्शन से ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन इसको ऐसे ही करना बिल्कुल इसी तरह क्या करूंगा ही सेड दैट ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन उससे आप आगे देखें वो बिल्कुल सेम एट भी अच्छा से आया सुइंग मदर्स चेयर क्या करूंगा अच्छा से दैट शी वाज सुइंग मदर्स चेयर एज और नाइन भी बिल्कुल इसी तरह ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल क्या आएगा ही सेड दैट दे कौन सा प्रोनाउन है थर्ड पर्सन ही शी इट दे ये चेंज नहीं होगा दे ही रहेगा दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल अब आ जाए टेंथ वो टेंथ भी ऐसे ही है ही सेड इसको कर लेते हैं ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट ही सेड टू मी You are not running very fast. मैंने अगेन बेटा देखा डायरेक्ट सेंटेंस है मेरे सामने मैंने एक ही काम पहला करना है इन्वर्टेड कॉमा में देख रहा है सो दैट आई माइट बी एबल टू प्लेस द कंजंक्शन एक स्टेटमेंट है नेगेटिव मैंने कहा फर्स्ट काइंड है कंजंक्शन दैट हो गया सब्जेक्ट भी मौजूद है ऑब्जेक्ट भी है सेड को टोल्ड He told me that you कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन लेकिन सब्जेक्टिव है शुरू में सब्जेक्टिव होता है ना यू एंड में होता है तो ऑब्जेक्टिव होता है किससे चेंज होगा इस साइड के ऑब्जेक्ट के मुताबिक क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट से सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से तो इसका मतलब यू सब्जेक्टिव है और चेंज होना है मी से मी ऑब्जेक्टिव है मी का सब्जेक्टिव क्या होता है आई तो इसका मतलब क्या आ गया आई और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या आएगा आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट नेक्स्ट जी दिस है वी हैव डन आवर ड्यूटी दिस है वी हैव डन आवर ड्यूटी अगेन मैंने एक डायरेक्ट सेंटेंस है मैंने देखा इन्वर्टेड कॉमास में असर्टिव काइंड है नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही असर्टिव काइंड और इसकी कंजंक्शन है दैट ऑब्जेक्ट नहीं लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज लिखूंगा दिस है दैट वी कौन सा पर्सन है फर्स्ट और सब्जेक्टिव फॉर्म किससे चेंज होगा इस साइड के सब्जेक्ट के वो दे है
दे भी सब्जेक्ट है, वी भी सब्जेक्ट है, तो वी की जगह दे। हैव डन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें चेंज होता है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट के तमाम टेंसेस सामने वाले पास्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैव की जगह हैड होता है, दे हैड, और थर्ड फॉर्म डन। अब कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किससे चेंज होगा? दे से। अकॉर्डिंग टू दे डियर डियर। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा बिल्कुल सेम है। मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूं। द टीचर सेड टू अस, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। द टीचर टोल्ड अस, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या आ गया? द टीचर टोल्ड अस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। सेकंड पर्सन है, मैं ऊपर ही कर देता। द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। पहले तो मैंने इनवर्टेड कॉमा में लिखा, असर्टिव काइंड ऑफ नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। सेड को टोल्ड, द टीचर टोल्ड अस दैट। टोल्ड के साथ क्योंकि टू प्रेपोजिशन अवॉइड करते हैं इसलिए नहीं लिखी जाती। यू कौन सा पर्सन? सेकंड। और शुरू में है सब्जेक्टिव फॉर्म है, किससे चेंज होगा? इस साइड के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट क्या है? साइड का अस। यू ने अस से, यू सब्जेक्टिव है तो इसकी भी सब्जेक्टिव। इसकी सब्जेक्टिव क्या होती है? वी। अस की सब्जेक्टिव क्या होती है? वी। तो दैट वी हैड और एम केस में हैड, वी हैड नॉट कॉम्प्लीटेड। वी के अकॉर्डिंग टू वी पोजेसिव फॉर्म क्या है? आवर। आवर डन। We had not completed our drama. And next, beta, 13th, she said, they have not eaten their meals. Again, बिल्कुल सेम। मैंने देखा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट कंजंक्शन होगी। शी सेड दैट। दे कौन सा पर्सन? थर्ड। चेंज नहीं होगा, दे ही रह जाएगा। दैट दे हैव और हैव किस में? हैड में। दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स। और उसके बाद 14th, ये जरा कर लेते हैं। है बिल्कुल सेम ही, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंस की चेंजेस हैं, वो मैंने आपको बतानी है। द टीचर सेड, the teacher said, I have often told you not to play with fire. देखे बेटा, मैंने inverted comma में पहला काम ही मेरा ये है कि मैंने conjunction ढूंढनी होती है, इसलिए मैं inverted comma को देखता हूं। और नाउ या प्रोनाउन से फर्स्ट काइंड है दैट कंजंक्शन। आई गॉट इट। द टीचर सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड ही होगा। दैट आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किस और सब्जेक्टिव है? किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर ही भी हो सकता है, शी। तो मैं ही को प्रेफर करूंगा, मैं कहूंगा दैट ही। हैव और हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। किसमें? दैट ही हैड ऑफन, थर्ड फॉर्म ही होती है। टोल्ड यू, सेकंड पर्सन। लेकिन देखें ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यू ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर यू शुरू में होता तो सब्जेक्टिव होता, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव भी यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू। तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ये इसका मतलब यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सेकंड पर्सन है। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट गिवन नहीं दिया हुआ, तो मैंने मी माइंड में सपोज कर लिया कि यहां मी है, लिखना नहीं है, मैंने सपोज कर लिया
कि सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्टिव है, कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी भी ऑब्जेक्टिव है, यू भी ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब यू की जगह आप क्या आ जाना, मी। इसको आपने टच नहीं करना, ऐसे ही रहेगा, नॉट टू प्ले विथ फायर। He had often told me not to play with fire. अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह है 15th, उसी ऊपर ही सॉल्व करने लगा हूं। My brother said to me, you have missed the point completely. सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी है, किस पे चेंज हो जाएगा, told me. My brother told me that you, कौन सा पर्सन, सेकंड, किससे चेंज होना है, मी से। You are subjective है, me की subjective, I. Have किस में, had में, I had missed the point completely. अब है यार tense, उसमें शुरू हो रहा है। He said I completed my drawing half an hour ago. He said I completed my drawing half an hour ago. देखे बेटा पहला काम तो मैंने वही inverted commas में देखा तो assertive kind है, that of the connection. He said that I first person किससे, he से, that he. अब ये कौन सा टेंस है, completed past indefinite, सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब पास्ट डेफिनेट होता है, जिसमें हमें वी आर अनेबल टू डिफाइन वेदर सेकंड और थर्ड, अगर बगैर हेल्पिंग वर्ब की तो सेकंड होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है थर्ड, ये सेकंड है, सेकंड है तो पास्ट डेफिनेट है। ये पास्ट डेफिनेट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म, ये थर्ड ही है, he had completed my, he के मुताबिक his drawing half an hour ago की जगह before. चलिए next है जी, she said I did not go to school yesterday. She said I did not go to school yesterday. Again एक negative statement है, first kind है, मैं कहूंगा she said, that conjunction is that, I first person, she said, she did not, past indefinite, past perfect में had not, had not, had not के साथ actual verb की third form, go की third form, gone to school yesterday की जगह the day before. प्रीवियस डे भी देख सकते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक बुक वाले ने द डे बिफोर यूज किया है, उसी को प्रेफरेंस दूंगा। नहीं जी बेटा जी, आगे नेक्स्ट में इसी तरह करने लगा ऊपर ही। He said, she sang a beautiful ghazal. Again, past indefinite है। मैं कहूंगा, she said, नहीं, he said, she sang a beautiful ghazal. He said that, she कौन सा पर्सन है? Third, change नहीं होगा, she ही रहेगा। Sang, second form है, past है, past perfect में। उसमें क्या होता है? She के बाद had। और third form, she had sung. Third form क्या है? Sung. She had sung a beautiful ghazal at the concert the night before. Last night, the night before. 19th, इसी तरह है। She said, he rang me up 12 midnight. She said that he कौन सा person? Third. Change नहीं होते, he shift the third person है, ये भी change होते। He, और rang कौन सा tense? Past, past perfect में, had के साथ third one. He had ran की third form, run. He had run. Me कौन सा person? First. किससे change होगा? She से. Me objective form है, she की, her. He had run her up at 12. और 20th.
He said, the boys did not put up a good show last night. Again, usi tarah. He said that the boys did not kiss me, had not me. Past perfect mein change hota hai, past tense mein. The boys had not put third form ki hai. Had not put up a good show the night before. 21st, she said, I shall never do such a thing. मैंने आपको कहा था शेल और विल दोनों बोर्ड में चेंज होगी, शॉर्ट में नहीं। मैं कहूंगा शी सेड दैट आई थिंक फर्स्ट पर्सन शी से शी और शेल की जगह गुड दैट शी वुड नेवर डू सच अ शी वुड नेवर डू सच अ लो जी नेक्स्ट है अफशन सेड दे विल वेट फॉर अस फॉर वन आवर ओनली अफशन सेड They will wait for us for 1 hour on. Again, मैंने वर्टिकल कॉमा भी देखा, फर्स्ट काइंड है, दैट कंजंक्शन होगी, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही है. ऑप्शन सेड दैट दे कौन सा पर्सन है, ही शी दे थर्ड, ये चेंज नहीं होते. दैट वेल और शेल दोनों की जगह वुड यूज कर दे वुड रूल है कि शेल की जगह शुड और वेल की जगह वुड या शुड लेकिन प्रैक्टिकली शेल और वेल दोनों की जगह वुड दे वुड वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है कि वेट फॉर अस कौन सा पर्सन है फर्स्ट वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म फर्स्ट पर्सन का चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो अक्षा है इसको प्रोनाउन बनाए शी आज प्लूरल है शी सिंगुलर है शी की प्लूरल शी प्लस ही दे इक्वल हो गई ना साइड से चेंज करेंगे आज भी प्लूरल है आप दे भी प्लूरल आज सब्जेक्टिव फॉर्म है वी की तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम वेट फॉर देम फॉर 1 hour दिस है We shall never make a promise we cannot fulfill. They said, we shall never make a promise we cannot fulfill. In order to come as many they can only have pronounced it start with first mind at that conjunction. They said that we come the person first is the change yoga is side is subject. Subjective we you be subjective they are shall be jagah would they would never make A promise. ये एक sentence है आप second sentence. We again first person किससे? इस side के subject से. They can could be may might be cannot could not fulfill. He said, इससे तमाम पूरा ये जो आ रहा है सेंटेंस से पूरे रूल्स रिवाइव हो जाएंगे He said, I shall explain this to you. I shall explain this to you only if you listen to me with patience. A complex sentence है inverted comma में noun या pronoun से यहां से मुझे पता चल गया assertive kind है that connection होगी
और सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड टू सेड ही, ही सेड दैट। अब आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू, ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, ही से ही, शैल और वे दोनों वुड में, ही वुड, और फर्स्ट फॉर्म ही होती है साथ, एक्सप्लेन दिस केस में दैट, दैट टू यू, सेकंड पर्सन है, लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव नहीं है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिया हुआ, सपोज मैंने मी सपोज कर लिया यार, शी सेड टू मी, लिखना नहीं है, माइंड में सपोज किया, यू किससे चेंज होगा, मी से, यू ऑब्जेक्टिव है, मी भी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव है, मी ओनली इफ। अब ये नया सेंटेंस है, यू लिसन टू मी, अब यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, मी से, मी की सब्जेक्ट है, आई, आई लिसन प्रेजेंट टेंस है, पास में चेंज होगा, पास में क्या होती है, सेकंड वन, आई लिसन टू मी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, कैसे चेंज होगा, इस टाइप के साथ, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम, विद पेशेंस, अब रह गया जी लास्ट, he said I hope you will not repeat this, he said I hope you will not repeat this mistake, he said that I hope एक सेंटेंस है, I first person, he से, he hope present tense past में, second form आ जाएगा, he hoped, ये नया सेंटेंस, अब you subjective है, second person है, change होगा object, object नहीं दिया होगा, मैंने me first कर दिया, so me, you subjective है, me objective है, me की subjective, I, will किस में, would में, I would not repeat that mistake. ये बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई विद सॉल्यूशन, अब आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है, डन एंड डन।